हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है तीज, तो आप सभी को हैप्पी तीज। तो मैं मॉर्निंग में ही मतलब नहा ली हूँ और पूजा वगैरह मतलब मेरी होगी है। तो अब बनाना है मुझे खाना। पहले पूजने के लिए बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि ये अभी ना नहाने गए हैं। बाकी मेरा सारा काम हो गया है और बच्चे भी नहा लिए हैं, बैठ गए हैं नहा धो के, अपने खिलौने विलौने में ये लगे रहते हैं खेलने। तो मैं अभी कचौड़ी ही बनाऊंगी, कचौड़ी और रायता। रायता बाद में बनाऊंगी क्योंकि और तो कुछ नहीं बनता, कचौड़ी वगैरह ही बनती है। तो मैं यहाँ पे ना बोलने की कोशिश जैसे ही मैंने करी थी तो गट्टू ने बहुत शोर मचा दिया था और बाहर से भी मतलब काफ़ी शोर आ रहा था। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वॉइस ओवर कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने 5-6 कचौड़ियाँ ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई। और अब बनाऊँगी, मतलब मैंने रोक दिया था अभी आटा, क्योंकि कचौड़ी ना गरम गरम अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि आप ना नहा के आओ जल्दी से, तभी बनाऊँगी। और गायें आ गई थी तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करके 3-4 कचौड़ियाँ बना दी थी, गाय को दे दी थी और ये बना दी ताकि बच्चों के लिए ठंडी हो जाए, बच्चे भी खा लें। और भोग लगा दिया है अभी फ़िलहाल, मैंने गैस वैस बंद कर रखी है क्योंकि ये नहा के आएँगे तभी बनाऊँगी। और बनाने के बाद मतलब मैं और ये तो ऐसी ही खाएँगे, अब तो फिलहाल ऐसे ही खाएंगे। बच्चे तो राय दही वगैरह से खा लेंगे और जो कचौड़ियाँ बचेंगी नहीं, फालतू बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को और पापा को छाए की जो मट्ठे की भीगी हुई कचौड़ियाँ होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखो मैंने सारी कचौड़ियाँ बना ली है यहाँ पे और बना के एक थाली में रख दी है। और ये दही जमाई थी मतलब रात में, तो इसका मैंने मट्ठा बना लिया। इसमें नमक मिर्च सिर्फ ये दो चीज़ ही डाली है और इसमें मैं लगाऊंगी जीरे का तड़का, क्योंकि इसमें मुझे कचौड़ियाँ भिगोनी हैं। और हाफ हाफ दही वो करूँगी मैं इसकी, हाफ भगोने में और हाफ डोंगे में, क्योंकि दोनों में भिगोंगी, एक में पापा के लिए और एक में इनके लिए, क्योंकि सारी एक भगोने में नहीं फूलती, इनको फूलने के लिए ना अच्छी सी जगह चाहिए। तो इसलिए मैं हाफ हाफ करके भिगोंगी और मैं अपने लिए ऐसी ही रखूँगी या देखूँगी अपने लिए पूड़ी वगैरह दोपहर में। तो ये देखो मैंने 4 डोंगे में और 4 भगोने में भिगो के रख दी है और दोपहर तक ना ये अच्छे से फूल के बहुत बढ़िया हो जाएगी। और अभी ना आपको ये जो मट्ठा है ये आपको हल्का सा मतलब ज़्यादा ही पानी सा लग रहा होगा, लेकिन जब इसमें कचौड़ियाँ भीग जाती हैं ना तो ये बहुत गाढ़ा हो जाता है और इनको पसंद आती है, इसलिए मैं हमेशा ऐसी ही करके रखती हूँ दोपहर के लिए। और पापा तो पहले ही बोल देते हैं मेरे लिए भिगो के रख देना। और इन्होंने मंगाया था गोवो का मतलब स्पीकर जो होते हैं वो सब मंगाए थे, तो यहाँ पर ये खोल रहे हैं इसको। और इनकी छुट्टी है आज, क्योंकि सैटरडे है और तीज भी सैटरडे के दिन पड़ी है, तो इनकी छुट्टी थी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे खोल रहे थे। मैंने सोचा चलो इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। और इसका इतना अच्छा साउंड था, इन्होंने शाम के टाइम इसमें गाने वगैरह बजाए थे, मूवी भी देखी थी, काफ़ी अच्छा मतलब इसका साउंड है। तो ये रूम में लगा रखा है, वो सब मैंने मतलब नहीं दिखाया था क्योंकि आज मुझे मतलब तीज वाले दिन ही एकदम से ही प्लान बनाया हमने कि चलो तीज है आज कुछ करते हैं अलग, तो कीर्तन वगैरह मैं मतलब कराऊंगी। तो ये सब दिखाने के बाद मतलब मुझे अभी बाहर कारपेट वगैरह बिछानी है और कारपेट के ऊपर चादर वगैरह बिछाऊंगी, क्योंकि आज दोपहर में मैं कराऊंगी कीर्तन। और बहुत अच्छा मतलब आज का दिन रहा तीज का, काफ़ी अच्छे से गया मतलब काफ़ी टाइम बाद। और हाँ, आज हम झूले भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखो हम दोपहर को यहाँ पे मतलब अपना खाना वाना खा के तैयार वैयार होके बैठ गए हैं और कारपेट वगैरह मतलब मैंने बिछा दी है। और देविया ना चादर पे कूद रहा था, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इन्हें चादर। और यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रखी है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गाने बजा रखे हैं, अभी कीर्तन वाली नहीं आई थी तो ये यहाँ पर स्पीकर वगैरह अपने मतलब चेक कर रहे थे कि सही से बज रहे हैं या नहीं, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं वॉइस ओवर मतलब आज पूरी वीडियो में मेरी वॉइस ओवर ही है। ये देखो यहाँ पे मैंने कारपेट बिछा दी है और इसके ऊपर चादर, तो इधर पंखा लगा दिया है और ये इधर कर रहे हैं अपना स्पीकर वगैरह मतलब देख रहे हैं बज रहा है या नहीं। और बचे गए हैं दोनों अंदर क्योंकि 2:30 बज गया है, 2 बजे का टाइम था, वैसे तो 1:30 बजे का टाइम था लेकिन 2:30 बज चुका है, जो हम सभी इकट्ठे ही होके करते हैं अपने जो भी हैं कीर्तन। मैंने सोचा चलो तीज है कुछ तो स्पेशल कर लेते हैं, वरना सुनी सुनी सी तीज जो है वो चली जाएगी। तो ये है अब शाम का टाइम, कीर्तन वगैरह हो गया था तो सामने दीदी हैं, उन्होंने झूला डाल रखा था, वो बुला भी दीदी कि आ जाओ झूला झूलते हैं, लेकिन मुझे ना डर लगता है, पहले झूलती थी मैं काफ़ी लेकिन अब नहीं झूलती। तो उन्होंने कहा कोई नहीं आ जाओ झूल के देख लेना एक बार, तो मैं गई थी तो यहाँ पे पहले मैं धीरे धीरे झूल रही थी, तो इसने फिर मेरे को झूलाया, तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब डर भी नहीं लगा, ऐसा लग रहा था कि हाँ डर लगेगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, शादी से पहले ही शायद मैं झूली ही थी अपने घर पर यहाँ पर जब से आई हूँ,
तब से नहीं झूली, और 10 साल बाद मतलब बहुत अच्छे से तीज बनी है कि तीज वाले दिन मैंने कीर्तन भी कराया, और सावन में तीज वाले दिन तो झूलते ही हैं, वो भी मतलब पूरा हो गया आज मेरा। तीज का मेन जो होता है ना वो झूला ही होता है, तो झूला हम सब ने अच्छे से झूला। तो सबसे पहले मतलब मैं झूल रही थी यहाँ पे, फिर दीदी वगैरह जो हैं वो सब, और ये दीदी बहुत तेज़ झूलती हैं, और इनको तो डर नहीं लगता लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। ये काफ़ी ऊँचे ऊँचे तक इनको अपने आप से ही झूल रही थी, एक बार इनको मतलब हाथ लगाना पड़ता था झुलाने के लिए, बाकी फिर ये अपने आप से ही तेज़ झूल रही थी काफ़ी। और सभी झूले थे, हम लभी नहीं झूली थी। वो बोली थी नहीं मम्मा मुझे डर लग रहा, लेकिन मैं जब आ गई थी घर क्योंकि मुझे खाना बनाना था, अंधेरा हो गया था, तो वो बाद में झूली थी। और यहाँ पे सब झूल रहे हैं मतलब बारी बारी से सब, और दैवी अभी झूलेगा, उसको भी लग रहा था कि मम्मा मैं भी झूल के देखूँगा कि कैसा लगता है, तो वो भी झूला था, वो लास्ट में झूलेगा, पहले हम सारी लेडीज जो हैं वो झूल रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही झूलेंगे। और अभी एक दीदी और हैं वो भी झूलेंगी, और ये दीदी के बेटे की वाइफ है ये भी झूल रही थी, और ये भी झूल रहा था यहाँ पे, तो हम बोल रहे थे चलो एक लड़की का नंबर और आ गया है झूलने के लिए। तो ये भी यहाँ पे, ये तो दीवार में पैर भी टच कर रहा था क्योंकि ये लंबा है, तो इसके पैर दीवार में टच हो रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब दिन काफ़ी अच्छा गया मतलब मेरा आज का तीज का बहुत अच्छा लगा। और दिन का ना सच बताऊँ पता भी नहीं चला कि कब सुबह हुई थी और कब रात हो गई, पूरा दिन ऐसे निकल गया बस पूछो मत ना कैसे, क्योंकि सुबह के काम से फ्री हुए थे, दोपहर की तैयारी में लग गए थे कि हाँ भाई कीर्तन वगैरह कराना है, उन सबके काम में लग गए थे, और कीर्तन से फ्री होके थोड़ा बहुत बैठे, फिर संगवाया वगैरह कारपेट वगैरह उठा के रखी, तो फिर सामने दीदी ने बुला लिया था कि चलो झूलते हैं, फिर शाम को आके खाना वाना बनाया, तो बस ऐसी ही मतलब पूरा दिन निकल गया था। ये देखो इसको पहले शुरू शुरू में डर लगा जब इसको फर्स्ट टाइम बिठाया, लेकिन जब सेकंड बार बिठाया था इसको तो इसको डर नहीं लगा था, तो यहाँ पे बड़ा अजीब सा मुँह बना रहा था क्योंकि इसको लग रहा था कि गिर ना जाऊँ मैं, तो इन दोनों को बैठा दिया यहाँ पे, तो अब इसको अच्छा लग रहा है, अब इसको ये लग रहा है कि हाँ अब मैं नहीं गिरूँगा, तो काफ़ी अच्छे से मतलब दोनों झूल रहे हैं यहाँ पे। और अब ये दूसरी दीदी का नंबर आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये एक बच्चे को लेके झूला रही हैं, मतलब सभी बारी बारी से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सभी ने झूला था यहाँ पे। और मेरे बच्चे तो मतलब संडे के दिन भी गए थे थोड़ा सा, मम्मा हम जा रहे हैं झूलने आप भी चलो, मैंने कहा आज तो मुझे बहुत काम है, और संडे के दिन सच में मुझे बहुत काम होता है, उस दिन तो मैं कहीं नहीं जा सकती, तो चलो आपकी तीज कैसी बनी वो सब आप भी बताना। तो मेरी तो बहुत अच्छी गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।